ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लाइव हो चुकी है, तो अभी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से गैजेट आप बाय कर सकते हो, या फिर कौन सी डाटा कार्ड, या फिर कौन सी रेंज एक्सटेंडर आप बाय कर सकते हो जिस पर आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल के डिस्काउंट देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, 300-400 रुपये ही आपका बचने वाला है अगर आप 2-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग करोगे। अगर आप 5 हज़ार 10 हज़ार जितनी ज़्यादा शॉपिंग करोगे उतना ही आपको डिस्काउंट मिलता जाएगा। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा डाटा कार्ड इस टाइम पर बाय करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। उसके साथ ही अगर आप रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हो तो कौन सा आपको रेंज एक्सटेंडर बाय करना चाहिए इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर आपके घर में कोई राउटर ऐसा लगा हुआ है जिसमें आपको 2.4 GHz एंड 5 GHz का नेटवर्क मिलता है, तो आपको डेफिनेटली वो ही एक्सटेंडर बाय करना चाहिए जिसमें आपको डुअल बैंड की सपोर्ट मिले। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंगल बैंड कौन से एक्सटेंडर है जो इस अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पर 200-400 रुपये तक के हमें डिस्काउंट मिल रहे हैं। 100 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 1000 की शॉपिंग करते हैं, 2000 की शॉपिंग करते हैं, तो आपको 200 रुपये तक बच सकते हैं। एंड 5000 तक की आप शॉपिंग करोगे तो 500, ऐसे कर करके आप ऑलमोस्ट 20,000 की शॉपिंग अगर करोगे आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो 10% का HDFC बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, दोनों पर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप जो भी शॉपिंग करो HDFC बैंक के क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से करो। एंड इसके अलावा आपको 10x कैश पॉइंट मिलेंगे। एंड अमेजोन प्राइम की मेम्बरशिप अगर आपके पास होगी तभी आपको ये सभी जो रिवार्ड हैं, ऑफ़र हैं, सभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेक श्योर आपके पास अमेजोन की जो मेम्बरशिप है वो होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आ जाता है रेंज एक्सटेंडर, TP Link कंपनी के द्वारा आता है ये TLWA850RE। तो इसमें आपको एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, प्लग एंड प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका जो रेगुलर प्राइस था 1400 रुपये, बट इस सेल पर आपको 1200 रुपये तक मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर आप HDFC बैंक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। तो कुल मिला के आपको 1000 से लेके 1100 रुपये के बीच बीच में ये आपको मिल जाएगा रेंज एक्सटेंडर। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट ये सिंगल बैंड है। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास TP Link का TLWA855RE। तो इसमें आपको 300 Mbps की स्पीड मिलेगी। एंड इसका रेगुलर प्राइस था 1600 रुपये एंड कम होके 1400 रुपये आ चुका है। एंड इसके अलावा 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो सभी प्रोडक्ट में आपको बताने वाला हूँ सभी पर एप्लीकेबल है। आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में TP Link का अगेन RE205AC750 रेंज एक्सटेंडर है, जिसमें आपको ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, 2 एक्सटर्नल एंटीना है, प्लग एंड प्ले की ऑप्शन मिल जाएगी। एंड 750 Mbps की स्पीड आपको इस रेंज एक्सटेंडर के साथ मिल जाएगी। तो अगर इसके रेगुलर प्राइस की बात करें तो 2000 तक इसका प्राइस था, बट कम होके 1700 चला गया है। एंड इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा HDFC बैंक के साथ। तो नेक्स्ट रेंज एक्सटेंडर की बात करें तो TP Link के द्वारा आने वाला TLWN821N। तो इसमें आपको 300 Mbps की स्पीड मिलेगी एंड आपको USB टाइप का ही इसमें जो रेंज एक्सटेंडर वो मिलेगा, जिसमें आपको 300 Mbps की स्पीड एंड विंडो 10, 8, 7, XP सभी के साथ ये काम करेगा। एंड इसके अलावा आपको 35 का एक कूपन मिलेगा जिसे आप यूज़ करके और भी डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा इस लिफ्ट में चीपेस्ट रेंज एक्सटेंडर है। तो अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा लो है तो डेफिनेटली आप सिंगल बैंड वाला ये रेंज एक्सटेंडर बाय कर सकते हो। और दूसरे पार्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई राउटर लगा हो जिसमें आपको 2.4 GHz एंड 5 GHz की नेटवर्क मिल रहा है, तो आपको कौन सा डुअल बैंड का जो रेंज एक्सटेंडर है वो बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी लिफ्ट में आ जाता है TP Link के द्वारा आने वाला RE650AC2600। तो इसमें आपको डुअल बैंड रेंज एक्सटेंडर मिल जाएगा। तो अगर आप इसको 2.4 GHz पर कनेक्ट करके यूज़ करोगे तो आपको 800 Mbps की स्पीड एंड 5 GHz पर कनेक्ट करोगे तो आपको 1700 Mbps की स्पीड मिल जाएगी। एंड इसके अलावा आपको 1 GB पोर्ट एंड 4 एक्सटर्नल एंटीना देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये हमारी लिस्ट में सबसे ज़्यादा बेस्ट डुअल बैंड को सपोर्ट करने वाला रेंज एक्सटेंडर आ जाता है।
तो सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी रेंज एक्सटेंडर चाहिए सभी की आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसके अलावा आपको ईथरनेट पोर्ट भी मिल जाएगा। तो अगर इसके रेगुलर प्राइस की बात करें तो 7000 का इसका प्राइस था, तो कम होकर इसका प्राइस चला गया है 5949 रुपीस एंड 10% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तुम्हारे पास टीपी लिंक का RE205 रेंज एक्सटेंडर मिल जाता है, जिसमें आपको एक ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, 2 एक्सटर्नल डीना मिलेंगे, प्लग एंड प्ले की ऑप्शन मिल जाएगी, 750 MBPS की स्पीड है। एंड अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप डुअल बैंड वाला ये एक्सटर्नल एंटीना बाय कर सकते हो। तो इसका जो रेगुलर प्राइस था 2000 के प्रॉक्स था, एंड अभी आपको 1700 या फिर 1600 रुपए के बीच में मिल जाएगा अगर आप HDFC बैंक का कार्ड यूज़ करोगे। तो अगर आपका बजट थोड़ा कम है एंड आपके घर पे लगा हुआ राउटर आपको 500 MBPS की स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये टीपी लिंक का RE205 रेंज एक्सटेंडर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा और कम है तो आप टीपी लिंक का AC750 बाय कर सकते हो, जिसमें आपको डुअल बैंड की सपोर्ट मिल जाएगी। 1400 से लेके 1500 के बीच में आपको ये रेंज एक्सटेंडर मिल जाएगा, जिसकी स्पीड आपको 750 MBPS की मिल जाएगी। तो अगर आपके घर में 1200 MBPS की स्पीड आ रही है तो आपको रेंज एक्सटेंडर चाहिए जो 1200 MBPS की स्पीड को कंट्रोल कर पाए, आपको पूरी की पूरी जो स्पीड है दूसरे रूम में मिल जाए 1200 MBPS की स्पीड, तो आपको टीपी RE300 जिसमें आपको 1200 MBPS की स्पीड मिल जाएगी, इंटेलिजेंट सिग्नल लाइट पावर मिल जाएगी, LED कंट्रोल मिल जाएगा, डुअल बैंड सपोर्ट मिल जाएगा, एंड ये भी काफ़ी ज़रा बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। सभी के सभी लिंक मैं आपको डुअल बैंड के एंड सिंगल बैंड के नीचे प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से रेंज एक्सटेंडर आपको इस सेल पर बाय नहीं करने, जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेटगेयर का EX6116, तो ये हमें 2200-2300 के रेंज में मिल जाएगा, बट आपको ये बाय नहीं करना। एंड इसके अलावा नेटगेयर का आ जाता है जो 1200 स्क्वायर फीट को कवर कर लेता है, एंड 20 डिवाइस आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, डुअल बैंड है बट ठीक है। ऑल्दो इसका प्राइस 2700 के प्रॉप चला गया है, तो 3500 से कम होके आपको यहाँ पर ओनली 2700 रुपये का मिल जाएगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा नेटगेयर का, आप बाय करो। एंड इसके अलावा डी लिंक का 1610 AC 1200 बिल्कुल भी बाय मत करना, ये भी वर्थ इट नहीं रहने वाला। ऑल्दो इसका प्राइस 2300 से 2200 के प्रॉस चला गया है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। टीपी लिंक का जो मैंने आपको बताया है वही बाय करना, तो वही आपके लिए काफ़ी ज़रा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। तो लास्ट में आपको टीपी लिंक के द्वारा आने वाला AX1800 बिल्कुल भी बाय नहीं करना, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसके अलावा आपको दो ही एक्सटर्नल एंटीना देखने के लिए मिलते हैं, जो कवरेज एरिया है वो आपका कम कवर होगा, क्योंकि हमें दो एक्सटर्नल एंटीना मिलते हैं। एंड जो इसका प्राइस है स्टिल 6500 के प्रॉक्स चला गया है, ऑल्दो 8000 से कम होकर 6500 तक आ चुका है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि ये बाय करना आपके लिए वर्थ इट नहीं रहेगा। एंड इसके अलावा ये डुअल बैंड है, एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर 1 GB पोर्ट भी मिल जाएगा, तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको जो मैंने रिकमेंड करे हैं वीडियो के स्टार्टिंग में वही आपको बाय करने चाहिए, वही आपके लिए काफ़ी ज़रा बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे आपको कौन सी डाटा कार्ड बाय करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा एयरटेल की। तो अगर आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड है एंड आपके एरिया में एयरटेल का काफ़ी ज़रा बढ़िया कनेक्शन है, तो नो डाउट आपको एयरटेल का AMF311WW डाटा कार्ड बाय करना चाहिए, जिसमें आपको 2300 mAh की बैटरी मिल जाएगी, आपको ऑलमोस्ट 5 आवर का बैकअप मिल जाएगा, 200 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस डाटा कार्ड को बाय करोगे इस सेल में। जो रेगुलर प्राइस है 2200 से कम होकर आपको 1800 तक चला गया है, एंड आपको 200-300 रुपये डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप HDFC बैंक का कार्ड यूज़ करोगे। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़रा बढ़िया चांस है, आपको एयरटेल की ये डाटा कार्ड डेफिनेटली बाय कर लेनी चाहिए। हमारे पास टक्सर का USB डाटा कार्ड है, जिसमें आपको ऑल सिम कार्ड का सपोर्ट मिल जाएगा, 150 MBPS की स्पीड मिल जाएगी, जो इसका रेगुलर प्राइस था 2400 से कम होके अप्रॉक्सीमेटली 1700 के प्रॉक्स चला गया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बड़ी ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस पे है। एंड जितनी भी USB टाइप डोंगल आती हैं सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस इसका है,
तो ये आपको डेफिनेटली बाय कर लेनी चाहिए अगर आप सोच रहे हो एंट्री की डोंगल या फिर कोकोनट की डोंगल बाय करने के बारे में, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। एंड अगर आप इस पर HDFC बैंक का कार्ड यूज़ करोगे तो आपको और 100-150 रुपया बच जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर का ही बैटरी वाली डोंगल आ जाती है, 4G डाटा कार्ड है, ऑल सिम सपोर्ट मिल जाती है। तो जो हमारे पास एयरटेल की डाटा कार्ड थी उसमें आपको 2300 mAh की बैटरी मिली, एंड इसमें आपको 2100 mAh की बैटरी मिलती है। तो आपको आधा घंटा जो कम बैटरी बैकअप इस डाटा कार्ड मिलेगा। तो इसके अलावा आपको 3 इंडिकेशन लाइट मिल जाएगी, कॉलकॉम का आपको चिपसेट मिल जाएगा, इसके बॉक्स में आपको मैक्रो USB केबल मिल जाएगी, बट आपको यहाँ पर कोई भी SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसका प्राइस है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पर। तो लास्ट में हमारे पास इस सेल पर चली गई है कोकोनट की डोंगल WUDO 4G डोंगल। इस सेल में आपको 130 रुपये का कूपन मिल रहा है, एंड इसके अलावा आपको HDFC बैंक पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2200 के प्रॉक्स चला गया इसका प्राइस। तो ये लोएस्ट प्राइस है कोकोनट डोंगल का, रेगुलर प्राइस है 2600 and 2700 rupees, बट इस सेल पर आपको 2300 and 2200 rupees में ये कोकोनट की डोंगल मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी राउटर भी मेंशन कर दूंगा कि कौन से राउटर आपको बाय करने चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। होप कि मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर कर दिए होंगे, बट स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कुछ भी बाय करने से पहले मेरे साथ एक बार मैसेज या फिर कमेंट में बात कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा कि यस ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड कौन सा बिल्कुल भी बाय करना वर्थ इट नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट या फिर मेरी सोशल मीडिया पर जाके मुझे फॉलो करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो जहाँ पुराने हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। It's not a game, it's a rich game.